आखिर बिहार सरकार माइग्रेंट लेबरों को कंडोम क्यों दे रही है? मामला बिहार के क्वारंटाइन सेंटर का है, जहां प्रवासी मजदूरों को कंडोम और कंसेप्टिव पिल दिए गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, इस बात को समझने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। राज्य भर के सभी क्वारंटाइन सेंटर पर सेंटर छोड़ने वाले हजारों पुरुषों और महिलाओं को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से कंडोम और गर्म गोलियां जो है जारी किया है। अब जो जानकारी हम आपको मुहैया करा रहे हैं, उसे स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने बताया। आपको बता दें कि मनोज कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि 2016 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष महिला 3.4 बच्चों का सबसे अधिक प्रजनन दर है। राज्य ने मार्च और नवंबर के बाद 9 महीने में संस्थागत प्रसव में तेजी से वृद्धि देखी है, जब हजारों प्रवासी श्रमिक त्योहारों के दौरान परिवारों के साथ बिताने के लिए घर लौटते हैं। हम कंडोम और गर्भ निरोधक का वितरित कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि मार्च और नवंबर के 9 महीने के बाद जब होली दिवाली और छठ के लिए अधिकतम प्रवासी लौटते हैं, तब संस्थागत प्रसव में बड़ी वृद्धि होती है, लेकिन जो पूर्ववर्ती और बाद के महीने होते हैं वहाँ पे जो ये वृद्धि होती है वो नीचे चली जाती है। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी कंडोम और गर्भ निरोधक वितरण के लिए नोडल एजेंसी को चुना है। आपको बता दें कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधे प्राप्त धन के प्रबंधन के बाद जिम्मेदार है। आपको बता दें कि श्री कुमार ने कहा कि कंडोम और गर्भ निरोधक वितरण करने के लिए उन्हें ऊँचे स्तर से यानी कि उच्चतम स्तर से निर्देश दिए गए हैं। तो ये कारण है जिसके वजह से बिहार में माइग्रेंट लेबर जो है, जो प्रवासी मजदूर है क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, उन्हें कंडोम वितरण जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें।